मित्रों, अगर आप कितने दिन तक क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर नहीं पे करते हो, मान लो आपका 50,000 रुपये आपने खर्च किया और आपका बिल बन के आ गया, और आप अगर कितने दिन तक उस पैसे को पे नहीं करते हो तो आपका पूरा स्कोर खराब होगा, लेट पेमेंट एंट्री आएगा। चलिए हम बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, वैसे तो आपको बता दूं, अगर आप 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अगर 10 दिन लेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक फर्स्ट टाइम की गलती को उतना सीरियस लेके नहीं चलता है, कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं डालता है, उसको एक प्रकार से समझता है कस्टमर की पहली गलती है और आपके पास रेगुलर कॉल आएगा जिस दिन से आपका बिल पेमेंट जमा नहीं हुआ। अगर मित्रों आपने 1 से 1.5 महीने, मान लो आपका पहला बिल बना और उसका पैसा आपने पे नहीं किया, दूसरा बिल बनने का टाइमिंग आ गया और आप उस बिल पे अगर आप लेट किए तो आपके स्कोर में रिपोर्टिंग डाल दी जाएगी लेट पेमेंट का, जो आपके लिए काफी हद तक बहुत ज्यादा बुरी खबर हो सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये है, बैंक क्या देखता है, आपके रिकॉर्ड या आपके एक अच्छी प्रोफाइल का कोई मायने रखता है? मित्रों, मैं बता दूं, बैंक हमेशा अपने कस्टमर की प्रोफाइल का ख्याल रखना जानते हैं। रीजन बता रहा हूं, अगर आप एक बैंक से लोन लेते हैं, आप एक बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, उसका बिल बाकी है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस पैसे को मान लो अगर 10 दिन 15 दिन का लेट कर दिए, अगर आपके पास फर्स्ट टाइम या दूसरी बार तीसरी बार कॉल आया, अगर आपने बता दिया सर इतने टाइमिंग में पेमेंट कर दूंगा, तो सिस्टम में अपडेट कर दें कस्टमर ने बोला है इतने टाइमिंग तक हम पेमेंट कर देंगे, तो मित्रों उस पर कोई भी ऐसा बड़ा रिपोर्टिंग नहीं होगा और आपका स्कोर बढ़िया फ्रेश रहेगा। क्योंकि बैंक चाहता है कि मेरे कस्टमर की कोई भी डिटेल्स, जो कस्टमर काफ़ी टाइम से जुड़ा है, कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, कभी गलती नहीं किया है, टाइम टाइम पेमेंट करता है, अगर वो ये फर्स्ट टाइम गलती करता है तो बैंक उसकी फर्स्ट गलती को भी एक बार अनदेखा कर सकता है। मित्रों, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, कॉल आ रहा है, कोई टाइमिंग नहीं दे रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है, तो फर्स्ट बिल पे शायद कोई बड़ा एक्शन ना हो, बाकी उसके नेक्स्ट बिल जो बनेगा उस पे आपके स्कोर पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, बैंक कैसे काम करती है? देखो, बैंक हमेशा अपने एक कस्टमर के डिटेल्स को हमेशा अपने पास रखती है। मतलब कि मान लो अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, यूज किया, तो बैंक का सिस्टम ऐसा है कि आपने जो पेमेंट किया है वो सिस्टम में अपडेट होगा, उसकी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाँ पेमेंट आ चुका है। पेमेंट नहीं आएगा, तुरंत ही आपके पास कॉल जाना चालू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूँ, आप अगर बैंक का कितना भी खास कस्टमर क्यों ना हो, बट कभी आपको लेट पेमेंट ईएमआई को मिस नहीं करना है। अगर आप ईएमआई मिस करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, तो आपके पूरा प्रभाव की स्कोर पे पड़ेगा। काफी लोग बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, पड़ जाने दो। आप बोलते हो ना, आज के टाइम बोलते हो, कल आप नहीं बोल पाओगे। तो मित्रों, मेरा वीडियो बनाने के मकसद पहला ये है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उसकी इस्तेमाल आप उतना ही करो जितना आपको जरूरत है, अपने सीमा से अधिक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीजें, अगर आप किसी भी बैंक का पैसा अगर पे नहीं कर पा रहे हैं, सामने से बैंक को एक अच्छे से लेटर लिखो, मेल करके उनको बताओ, लोन ऑफिसर को मेल के बताओ कि मैं इतनी टाइमिंग तक ये पैसा पे कर दूंगा, और उसके बाद कस्टमर केयर के जो कॉल आते हैं, जो रिक्रूटिंग कॉल भी आती है, कुछ ऑफिसर कॉल आते हैं, उनको बता देना है कि मैं इस पेमेंट को इतने टाइमिंग तक कर दूंगा, प्रोमिस करता हूँ मैं इतने टाइम तक कोई भी पेमेंट मिस नहीं किया, टाइम से पेमेंट किया हूँ, और आप इसको एक बार अपडेट कर दीजिए। यकीन मानो आपकी पूरी मदद करेंगे और दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वहां से इग्नोर के बार करते हो, फिर आपका स्कोर खराब होगा। अगर एक बार आपका डिपटी लेट अगर हो गया, तो आपका स्कोर कभी सही नहीं होगा, ये बातें याद रखना। तो कभी भी आपको इन सब चीज़ों को याद रखे चला, गलती नहीं करना है। आपने जान लिया, समझ लिया, आप बताना कि आपने कितना दिन तक पेमेंट लेट किया था, कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।